दी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में नवागत मंडलायुक्त जयन नालीकर के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन एसोसिएशन के सभागार में किया गया, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्य अधिवक्ताओं ने मंडलायुक्त का माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम नारायण श्रीवास्तव, जयप्रकाश नारायण, वीरेंद्र प्रताप सिंह, अखिलेंदु श्रीवास्तव, भास्कर शुक्ला, विनय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी अधिवक्ता मौजूद रहे। समारोह के दौरान अपने संबोधन में अधिवक्ताओं ने नवागत मंडलायुक्त का स्वागत करते हुए अपनी समस्याएं भी गिनाई। इस मौके पर मंडलायुक्त जयन नालीकर ने कहा कि न्यायिक कार्यों को बार और बेंच के सहयोग नहीं निपटाया जा सकता है, अगर नियत सही होगी तो बरकत भी होगी। मंडलायुक्त ने कहा कि हमें ऐसी न्याय व्यवस्था देनी होगी जिससे गरीब मजदूरों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर न लगाना पड़े। उन्हें सभी अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो न्यायिक व्यवस्था के साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान होगी। सुनिए, अध्यक्ष महोदय इस सिलसिले में सीधे लगते हैं, सुनिए साहब से मिल चुके हैं, श्रीमान जी उसका संज्ञान लेंगे
और पार्किंग की व्यवस्था पर यहाँ पे स्विमिंग पूल के सारे जो गाड़ियां खड़ी हो जा रही है कठिन हमको रुकना, लेकिन स्थिति यह है कि जो चार महीने से हमारे सदस्य आते हैं उनके लिए शाम को निकलना असंभव हो जाता है। हमारे कुछ 70-80 सौ जन है, अगर उनकी गाड़ियां सुखकर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चल रही है, इसमें कहना ये चाहूंगा कि वो तो मेरा दायित्व है
किंतु जो हमारा निशुल्क कार्य है वो सब पर नहीं होना चाहिए, और उस पर जो हमारा पूर्व आयुक्त ने बहुत अच्छा काम किया है, कर्मचारी है उनके मतलब करीब 2020 कर दी थी, मुझे पता चला कि अभी भी हमारे वार्ड में करीब 10,000 पेंडिंग समस्याओं की बात कई लोगों ने की है। समस्या मेरा मानना जो मेरा 16 साल का अनुभव भारतीय प्रशासनिक सेवा में है वो ये बताता है कि समस्याओं का समाधान होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत सदिच्छा की। यदि आपके हृदय में इंटेंशन थी, नियत जिसे आप बोलते हैं नियत ठीक है, तो बरकत होती ही किंतु
सदिच्छा पर बहुत जोर देता हूँ। लगता है सदिच्छा और विधिक ज्ञान इन दो को लेके आगे बढ़ा जाए तो काम अच्छे तरीके से समयबद्ध तरीके से और गुणवत्ता पूर्वक किया जा सकेगा। यही मेरी धारणा है। पुनः एसोसिएशन के सभी सदस्यों को पदाधिकारी को जो है वो आगे उपस्थित है, वो जो उपस्थित नहीं है उनको सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।